दोस्तों स्वागत है आप सबको आपका चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुज्ञान। दोस्तों आज पहली बार मैं पूरे फेस के साथ वीडियो बना रहा हूं। लगभग 6 महीने पहले मैं फेस कैम वीडियो बनाता था पर मास्क पहनकर। उसके बाद बहुत से इवेंट आए अपने लाइफ में, बहुत से चेंजेस हुए, मेरा मैरिज भी इसी दौरान हो गया और इसी बीच में फेस कैम वीडियो बनाना बंद कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। लगभग 4-5 किताब मुझे खंगालने पड़े, बहुत से लोगों के साथ बात करना पड़ा जिनका इस बारे में नॉलेज है। उसके बाद मैं ये वीडियो आप कर लेकर आ रहा। दोस्तों व्यूज मैटर नहीं करता, चाहे जितने भी लोग इस वीडियो को देखे, मेरा प्रयास है कि ये वीडियो घर घर तक पहुँचे और बहुत से लोग खुद को भी उनको नहीं पता कि उनके शरीर में किन महारथियों का खुद दौड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ, जो नए दर्शक हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम अगर इतिहास में 2500 साल पीछे जाएं, जो सबसे पहला साम्राज्य हमारे दिमाग में आता है वो है नंद साम्राज्य। लाखों की सेना, हजारों हाथी घोड़े, उनका खौफ ऐसा था कि अलेक्जेंडर भी भारत में घुसने का साहस नहीं कर पाया था। नंद साम्राज्य में कुछ कमजोरी था जिस वजह से उनको ओवरथ्रो करके मौर्य साम्राज्य अपना काया विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का आज तक के सबसे बड़ा साम्राज्य था। जिस साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक जो था, बड़ा तो नहीं कहेंगे, बहुत ही क्रूर शासक था, वो था अशोक। उसके बाद कोई ऐसा साम्राज्य जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था वो था एक उड़िया साम्राज्य जिसका नाम है चेदी वंश। इस वंश के महान सम्राट महामेघवान ऐरा खारवर मगध को अपने घुटने में ला दिए थे। इसके साथ साथ तमिल संघ, जो 5 राज्यों को लेकर एक शक्तिशाली संगठन था, उसको भी उन्होंने धूल चटाया। मथुरा से ग्रीक जो ग्रीक योद्धा थे उनको खदेड़कर अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत के उस पार उनको छोड़ा। दोस्तों एक साम्राज्य चाहे जितने भी बड़ा हो, एक ना एक दिन उसे गिरना ही पड़ता है। जब चेदी कमजोर हुए, उनका जगह ले लिए सुंग साम्राज्य जो भारत का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य माना जाता है। फिर आए सातवाहन और फिर आए कुषाण साम्राज्य। कुषाण के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य आया वो है गुप्त साम्राज्य। पर यहाँ एक बात हमें नोटिस करना होगा कि कभी गुप्त एवं कुषाण साम्राज्य के बीच कोई बड़ा युद्ध तो नहीं हुआ, फिर कैसे गुप्त साम्राज्य पावर में आया? हम इतिहास गवाह है कि जब एक बड़ा साम्राज्य गिरता है, कोई दूसरा शक्तिशाली राज्य उसको हरा कर उसका जगह ले लेता है। जैसे नंदों को मौर्यों ने हराया और मौर्यों को चेदियों ने। पर कभी कुषाण एवं गुप्तों में युद्ध तो नहीं हुआ था, फिर आखिर गुप्त साम्राज्य बना तो बना कैसे? अगर आप एक उड़िया हैं तो आपको ये सुनकर गर्व महसूस होगा कि इसी बीच एक ऐसे उड़िया साम्राज्य ने सर उठाया जिसके पराक्रम को कुषाण झेल नहीं पाए और हमेशा हमेशा के लिए भारत की नक्शे से गायब हो गए। वो उड़िया साम्राज्य था नागवंशी क्षत्रिय खंडायतों का। दोस्तों अगर आधुनिक उड़ीसा के हम बात करें, अभी जितने भी राजा हैं, अगर हम गजपति महाराज को छोड़ दें, जो दूसरा सबसे बड़ा राजा जिनको माना जाता है, जिनको लिटरली लोग अपने दिल से सम्मान करते हैं, वो है भंजवंशी राजाओं का। भंजवंशी राजाओं का अखंड उड़ीसा प्रदेश के गठन तथा उड़िया संस्कृति को बचाने में अतुलनीय अवदान। दोस्तों आज के हिसाब से केउंझर, मयूरभंज एवं सिंह भूमि को उस समय बिंध्य तभी बोला जाता था और इस राज्य पर शासन था भंजवंशी राजाओं का। इसी भंजवंश में पैदा हुए महाराज शत्रुभंज, इनके पिता थे महाराज मानभंज एवं उनके माता थे महारानी दमयंती। इस राज्य का राजधानी था केउंझर निकटवर्ती जो चंपुआ है, उसके पास एक स्थान है आसनपट्टा। वही स्थान को उस समय बिंध्यतवी राज्य का राजधानी माना जाता है। महाराज मानभंज युवराज शत्रुभंज को बचपन से ही शस्त्र एवं शास्त्र में निपुण मानते। जब युवराज शत्रुभंज राजा बने, उस समय कुषाण बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके प्रभाव से उड़ीसा भी अछूत नहीं था। इसका प्रमाण हमें पुरी में मिले कुषाण सिक्के से मिलता है। कुषाणों को मदद मिलता था मुरुंड राजाओं से। मुरुंड राजा भद्रक तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। मुरुंड राजाओं के बारे में हमें शिशुपालगढ़ शिलालेख से पता चलता है। उस शिलालेख में एक राजा थे जो मुरुंड राजा थे, जिनका नाम था राजा गणा।
उनके बारे में सविस्तार वर्णना किया गया है। नागवंशियों को इन दोनों से खतरा था क्योंकि दोनों मित्र राज्य थे और युद्ध के समय दोनों इकट्ठा आकर युद्ध लड़ते थे, जिस वजह से महाराज शत्रुघ्न सारे नागवंशियों को इकट्ठा किए। तब नागवंशी क्षत्रिय खंडायतों का राज्य विभिन्न हिस्से में बढ़ चुका था। समय मथुरा, पद्मावती, कौसंबी एवं विंध्यतावी, ये चार स्थान पर जो चार बड़े राज्य थे उस पर भंजवंशी राजाओं का शासन था। महाराज शत्रुघ्न के नेतृत्व में ये चार साम्राज्य इकट्ठा आए, मुरुंडा एवं कुषाण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में कुषाण एवं मुरुंडा राजाओं ने पूरी तरह हारे और पूरे उत्तर एवं पूर्वी भारत पर क्षत्रिय खंडायत नागवंशियों का शासन हो गया। कुषाण भला कैसे चुप बैठते? महाराज शत्रुघ्न के शासन के दौरान कुषाणों ने उनके ऊपर 103 बार हमला किए और हर बार उनको मुक्की खाने पड़ा। महाराज खाराबेल के बाद महाराज शत्रुघ्न का साम्राज्य सबसे बड़ा ओडिया साम्राज्य माना जाता है। महाराज शत्रुघ्न एक बड़े योद्धा होने के साथ साथ बड़े एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। जो आसनपटा शिलालेख है उनमें भगवान नटराज का एक मूर्ति है जो एक बहुत ही पुराना नटराज मूर्ति माना जाता है। लगभग आज से 1600 साल पहले उस नटराज मूर्ति को पत्थर में खोदा गया। महाराज शत्रुघ्न दान पुण्य में बहुत विश्वास करते थे। उनके शासन के दौरान वो 1,00,000 गाय पाटलिपुत्र, गया, क्रिमिला, दादावर्धन, पंडुवर्धन, वर्धमान, गौहाटी, खडरंगा, ताम्रलिपि, तोषाड़ी में स्थित बहुत से मठों को गाय दान किए थे और इसके साथ साथ शंखकर मठ एवं मणिभद्रा के लखेश्वर मठ को बहुत से स्वर्ण मुद्रा दान में दिए थे। आसनपटा शिलालेख में हमें ये बात का उल्लेख मिलता है कि उनके शासन के दौरान बहुत से शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और इसी के साथ साथ जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु थे उनको बहुत से सोने जेवरात और उसके साथ साथ गाय भी दान किया जाता था। उनके शासन के दौरान जो पिंडारी थे, जो चोर लुटेरे थे, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया गया और जो परिव्राजक थे, जो तीर्थ यात्री थे, उनका यात्रा कैसे सफल हो उसका व्यवस्था भी किया गया। महाराज शत्रुघ्न के समय कृषि का बहुत ही ज्यादा उन्नतिकरण हुआ था। महाराज शत्रुघ्न के आदेश पर बहुत से नहर खुदवाए गए ताकि हर एक जमीन के पास जल का साधन हो और कृषि बहुत ज्यादा फल फूल सके। तीर्थ यात्री थे उनके सुविधा के लिए रास्ते के दोनों तरफ वृक्ष लगाए गए और कुएं भी खुदवाए गए। जगह जगह उनका रहने का व्यवस्था भी किया गया। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि भाई आखिर क्यों हमारा इतिहास इतने ज्यादा पीछे रह गया। दोस्तों मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि उस समय जो हिंदू राजा थे वो छोटे से छोटे चीज को लिखने में विश्वास नहीं करते थे। अगर कुछ बड़ा इवेंट हो गया तो 2-4 लाइन पत्थर के ऊपर लिख देते थे जिसे हम आज शिलालेख बोलते हैं। जो भारत के बाहर के राजा थे वो अपने साथ कवि एवं लेखकों को रखते थे और एक छोटे से छोटे जानकारी भी नोट डाउन करते थे। 12th सेंचुरी आते आते हमारे राजाओं को भी पता चल गया कि आगे जो जनरेशन आएगा वो हर बात पर हमारे ऊपर सवाल उठाएगा और हमें सबूत मांगेगा। इसीलिए मतलब 12th सेंचुरी के बाद हमारे राजाओं ने भी अपने साथ कवियों को रखा करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले के जमाने में कवियों को नहीं रखा जाता था, पर उस समय की जो कवि थे वो कविता लिखन में और जो बहुत से इवेंट हो गया उनके ऊपर वो रिसर्च करते थे, उनके ऊपर लेख लिखते थे। पर जो बाद के जो कवि आए वो हर एक बात जो झूठी तारीफ था वो अपने राजाओं का करने लगे। जब हमारे देश आजाद हुआ उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से हमारे इतिहास को दबाया गया, मध्यकालीन इतिहास को बड़ा कर दिया गया और मध्यकालीन इतिहास में हमें सिर्फ मुगल एवं जो बाहरी घुसपैठिए थे उनका इतिहास पढ़ाया गया। हिंदू राजाओं को बहुत ही डरपोक और कमजोर राजा बनाए दिए गए। हद तो तब हो गया जब NCERT अपने किताब में लिखता है कि औरंगजेब बहुत से हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। जब उसे पूछा गया बताओ NCERT कौन से हिंदू मंदिरों का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, उसके पास कोई आंसर नहीं था। यही तो कारण है जिस वजह से हमारा इतिहास आज तक दबा पड़ा है और हमारे इतिहास को कोई नहीं जानता। फिर दोस्तों हमें हमारे इतिहास को बचाना है और इस युद्ध में आप मेरा साथ अवश्य देंगे, ये मेरा आपके ऊपर भरोसा है। इसीलिए जो नए दर्शक हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा।
चलता हूं और मिलता हूं आपसे अनसंग वॉरियर सीरीज के और एक एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।